अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस गली से निकल गए हम इफ्तार करने के लिए हरम की तरफ। आज तीसरा दिन है मक्का में आने का और ये मेरा पहला पर्सनल ब्लॉग होगा, तो दुआ में याद करना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। हरम की ओर जाते हुए नज़ारा ही कुछ और है। इफ्तार का तकरीबन अभी 6:10 बाकी है, इफ्तार 6:33 को है। ये सब पहचानते हैं क्लॉक टावर। सऊदी पुलिस की व्हीकल साथ में इफ्तारी ले लिए। हरम शरीफ के सामने ऐसे तो अभी अंदर जाने नहीं देगा, क्योंकि जो उम्रा करते हैं बस उन्हीं को ही अंदर जाने देता है, बाकी जो है बाहर ही कर देता है। ये मेरा पहला पर्सनल व्लॉग होगा, सो दुआ में याद रखना। और इसमें से ठंडा पानी की फुहारा निकलता है जो गर्मी में राहत देता है। चलते हुए हरम की ओर। तीन दिन हुआ आने को मक्का शरीफ पे। 22 से निकले थे घर से, 23 को आके पहुंचे थे, आज 26 है। तो पहले आने के बाद ही उमरा कर लिए थे, परसों फिर तवाफ भी कर लिए थे। अब सोचे कि होटल में बैठे हुए एक मक्का मदीना ब्लॉग बनाए, क्योंकि एक महीना है इधर, 22 दिन मक्का शरीफ में और 10 दिन तकरीबन मदीना शरीफ। टोटल सफ़र 35 दिनों का है। जबले उमर वेस्ट टावर शोकल खलील यहाँ पे हमेशा कबूतर रहते हैं। जहाँ से आ रहे उसको मिसफला भी बोलते हैं, इब्राहिम खलील स्ट्रीट। बहुत ही नज़दीक है हरम शरीफ से, 3 से 4 मिनट का दूरी है होटल से बस हरम शरीफ, इसीलिए एकदम नज़दीकी कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं पैदल। हम जब 7-8 साल पहले थे इधर, यहाँ पर ये सब बिल्डिंग वगैरह नहीं था, नया हुआ है ये सब। बोल रहे थे कि जब है 32 दिन
तीन दिन चला गया है, क्यों ना कुछ यादें जो है कैद किया जाए, और कुछ गाइड भी हो सकता है आगे जाके दूसरे वीडियो में देने का कोशिश करेंगे कि जैसे मतलब कहाँ से आप मनी एक्सचेंज कर सकते हैं। तरी दे रहे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है। दारू तो हिद इंटर कॉन्टिनेंटल आ गया तकरीबन हरम के गेट के पास। इसमें से बहुत ही ठंडा हवा ये दारू तौहीद इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के सामने का नज़ारा। यहाँ पे मेंस टॉयलेट है, मेंस वॉशरूम, जहाँ पे आप जाके वजू भी बना सकते हैं। एग्जैक्टली 6 बज गए, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। बस आप लोगों को दिखाने के लिए ऊपर चढ़ रहे पानी का फुहारा। यहाँ पे बहुत सारा फूड कोर्ट है, बर्गर किंग है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस मार्केट का, बहुत ही खूबसूरत एलिवेटर्स है और मॉबिंग वॉकवेज भी है, एक्सेलेटर भी है।
हार्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट है। एक्सीलेंट। फिर इधर से निकल कर हरम की तरफ चले जाएंगे। इफ्तार का ज़्यादा देर नहीं है। एयरपोर्ट का सुपर मार्केट है। इसी के नीचे KFC भी है और एक राइट साइड पे मैकडोनल्ड्स भी देखे थे मैंने। मुझे इफ्तारी के लिए बैठना पड़ेगा, जगह ढूंढना पड़ेगा। चारों तरफ गेट बंद कर दिया गया है क्योंकि मगरिब के ठीक पहले एकदम रश नहीं चाहिए लोग को, तो बाहर ही भटक रहे हैं, कहीं पर बैठ के इफ्तार करेंगे बोल। ये नाहदी फार्मेसी का एक आउटलेट है। किसी तरह एक जगह मिल गया है इफ्तार करने का, इफ्तार कर ले रहे। हो चुकी है, नमाज का इंतज़ार है। इफ्तार भी कर लिए, मगरिब का नमाज भी कर लिए, अभी निकलना है। सो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।